गाड़ी का चालान कटना हैरानी की बात नहीं है, नियम तोड़ने पर चालान कटता ही है। हैरानी की बात तो वहां हो जाती है जब एक कार वाले को हेलमेट के बिना बाइक चलाने का चालान भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं, ये कार चालक एक बीजेपी नेता भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं खुशबू झा। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतते हुए भागलपुर में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू हुई है, जिसमें हाईटेक कैमरे के जरिए ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने वालों को ऑनलाइन चालान भेजा जाता है। लेकिन भागलपुर में चालान का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें कार चालक को बगैर हेलमेट बाइक चलाने का चालान भेज दिया गया, वो भी उस दौरान जब कार एक महीने से गैराज में है और कार चालक वैष्णो देवी की यात्रा पर है। पूरा मामला ये है कि भागलपुर शहर के रहने वाले बीजेपी नेता कुश पांडे की कार एक महीने से गैराज में है, लेकिन उसका चालान काट दिया गया और चालान में वजह ये बताई गई कि बगैर हेलमेट के बाइक चलाई जा रही थी। कुश पांडे के मोबाइल पर जब चालान का मैसेज आया तो वो सोच में पड़ गए कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है। उनके मोबाइल पर भीकनपुर के सिग्नल के पास लगे 2 नंबर कैमरे से ली गई तस्वीर के आधार पर चालान आया। जिस बाइक का चालान कटना था उसके आखिरी के 2 नंबर 3-8 हैं, लेकिन कर्मियों ने कुश पांडे की गाड़ी जिसके आखिरी के 2 नंबर 3-6 हैं पर चालान भेज दिया। अभी एक चालान आया जिसमें कि 1000 रुपए का चालान जमा करने के लिए कहा गया। आश्चर्यजनक है कि वह कार पिछले 20 दिनों से सर्विस सेंटर में बंद है, लेकिन उसमें एक चालान आता है कि अभी 10 बजे आज भीकनपुर के पास बिना हेलमेट की गाड़ी चलाई जा रही है। यह सोचने वाली बात है कि कार में हेलमेट का संयोग कहां से बैठ गया। साफ तौर पर ट्रैफिक नियम व्यवस्था में काफी त्रुटि है। सिर्फ आपाधापी में भागलपुर प्रशासन ऐसा नियम लोगों को परेशान करने के लिए ला रही है और इस परेशानी में हम लोगों को जूझना पड़ रहा है कि जिनका गाड़ी बंद है बिना हेलमेट का या फिर किसी का नंबर रहता है किसी और को चालान चले जाता है और चालान भरना पड़ता है और पुलिस प्रशासन दबाव बनाती है कि आप चालान को भरें, तो कहीं ना कहीं एक तौर साफ तौर पर देखा जाता है कि मोटा रकम वसूलने के लिए जिला प्रशासन ऐसा रवैया कर रही है। मेरे साथ ऐसा आज घटना घटित हुआ है कि मेरी कार जो सर्विस सेंटर में बंद है उसका चालान आता है कि हम हेलमेट नहीं पहन के चला रहे हैं। कार में सीट बेल्ट का आता समझ में आता और कार बंद पड़ा उसमें हेलमेट का, यह एक अपने में हंसने योग्य विषय है। और ऐसा करके बिहार द्वारा पूरे देश भर में ऐसा माहौल, मतलब समझिए कि एक हास्यास्पद विषय बन गया है कि आप कार में मोटरसाइकिल के हेलमेट का चालान काट रहे हैं। ये पुलिस कर्मी में सब नई नई लड़कियां और अफसर भी जो है हमारे नई अभी ट्रेनिंग ली है और नए सीख रहे हैं। चूक होने की संभावना हर जगह है और चूक में सुधार होने की भी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गलती हो गई, मानवीय चूक है, इसमें इसको कहीं इसमें भागने की बात नहीं है और कोई गलती ऐसी नहीं है। गलती हो गई है, उसका सुधार होगा। हमने बताया भी था एक सज्जन को कि चूक हो गया और लिख के दे दीजिए, वो हम लोग सुधरवा देंगे। हालांकि लड़की हमको तुरंत बताई, एक्चुअली ऑनलाइन में होता क्या है, जब तक वो चाहती दब गया तो कट गया, उसके बाद वो वापस नहीं, कलम से नहीं लिखा हुआ, एक व्हाइटनर लगा देंगे। चूक हो गया उसमें प्रावधान है दिया हुआ, सुधार होगा। आप लोग को एक तो आश्वस्त करेंगे, ऐसे आप भागलपुर पुलिसिंग की बात करते हैं, भागलपुर में आपके आला पुलिस पदाधिकारी जो हमारे DI साहब हैं, SSP साहब हैं, CTSP साहब हैं, ये लोग इतना मानवीय या पब्लिक के प्रति इतना फ्रेंडली और इतना संवेदनशील हैं कि यहाँ नजायज हो ही नहीं सकती। और हमारे लड़के लड़कियाँ मेहनत कर रहे हैं, 500-500, 400-400 जो वायलेशन होता है उसका कटता है, तो वायलेशन में कभी उसमें चूक हो जाती है, उसका सुधार होने की संभावना है। इसको सकारात्मक रूप में लेना है और लोगों को बताना है, अपील भी करेंगे लोगों से, अगर गलती आपको लगता है कि आपके साथ ये नहीं होना चाहिए था, मैसेज चला गया या गलती से फाइन कट गया, तो आप लिख के दें, आपका सुधार होगा। ये गलती कंट्रोल कमांड सेंटर के कर्मियों की चूक की वजह से हुई है। मामले में सफाई देते हुए भागलपुर के ट्रैफिक DSP ने इसे मानवीय चूक बताया और सुधार का भरोसा भी दिया। कुश पांडे को मिले चालान में सुधार तो हो ही जाएगा, लेकिन फिलहाल तो इस हास्यास्पद मामले की चर्चा चारों तरफ हो रही है।